हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन में बीटी यूपी 2010 के एग्जाम पेपर में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, 400 मीटर लंबी सड़क के लिए मिट्टी कार्य एवं घास लगाने के लिए साइडों के ढालू क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, किनारों की ऊंचाई 2 मीटर तथा 3 मीटर है, निर्माण चौड़ाई 12 मीटर है एवं पार्श्व ढाल 3:1 है। मान लें कि भूमि में आड़ी दिशा में कोई ढाल नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे जो पहले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वो क्वेश्चन रेट एनालिसिस पर आधारित है और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और यदि आप उस क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप हमारे लेक्चर नंबर 3 में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वो मैंने अच्छी तरह से समझा भी रखा है कि उसमें सीमेंट, सैंड और जो आपकी ईंट की रोडी है उनकी क्वांटिटी किस प्रकार से निकाली जाती है और किस प्रकार से उस प्रकार के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें जो भी हमें दिया हुआ है वो हमें एक बार नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सड़क की लंबाई, ठीक है, एल का मान हमें दिया हुआ है 400 मीटर। ठीक है, जो हमारी सड़क है उसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। फिर हमें किनारों की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, यानी कि D1 का मान हमें दिया हुआ है 2 मीटर और D2 का मान हमें दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, और निर्माण चौड़ाई B का मान हमें दिया हुआ है 12 मीटर और जो हमारी ढाल है S1:1, ठीक है, वो हमें दी हुई है 3:1। तो ये सब पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें जो हमारा मिट्टी का कार्य है, ठीक है, उसके आयतन की हमें गणना करनी है। ठीक है, और जो इसका ढालू क्षेत्रफल है यानी कि ये जो ढालू एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दोनों ओर, तो इस पर घास लगाने का जो कार्य है उस क्षेत्रफल की भी हमें गणना करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम करेंगे, आप ये मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने आप के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपकी सड़क का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें जो निर्माण चौड़ाई है, ठीक है, वो ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये चौड़ाई दिख रही है आपको, ये निर्माण चौड़ाई है, इसका मान है 12 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 400 मीटर की लंबाई में ऐसे है। ठीक है, तो इस 12 मीटर की लंबाई पर ही, सॉरी 12 मीटर की चौड़ाई में ही आपको सड़क बनानी है। ठीक है, तो ये सड़क आप देख रहे हैं कि जब जो हम सड़क तैयार कर रहे हैं इसमें हमें मिट्टी भराई करनी पड़ रही है पहले, और भराई करने के बाद इस पर हमें बेड लेवल तैयार करना है सड़क का। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमें सड़क बनानी है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि इस मिट्टी में कहीं पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो कम है और यहाँ पर अधिक है और फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं कि इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो मिट्टी भरी हुई है वो कैसे अमल करते हैं, उसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये D1 हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ तो इसकी ऊंचाई 2 मीटर है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम औसत ले लेंगे। ठीक है, ये जो गहराइयाँ दी गई है इसकी, तो इनका हम औसत ले लेंगे और औसत लेकर ही इसे हम हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि ना तो हम 2 मीटर गहराई ले रहे हैं यहाँ पर और ना ही 3 मीटर ले रहे हैं, हम इनके बीच में ले लेंगे जिससे कि हमारी सही सही मात्रा निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले औसत गहराई हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, औसत गहराई इसे हम DM से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मान होगा D1 + D2/2। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 2 + 3/2 यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन की बात ना करके और इस सेक्शन की बात ना करके केवल जो ये बीच का सेक्शन है DM वाला, जिसकी ऊंचाई DM है, ठीक है, यानी कि 2.5 है, हम इस सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसका जो ढाल होगा वो औसत ढाल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो औसत क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो सब चीज़ इसमें जो है औसत ही होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, औसत क्षेत्रफल। ठीक है, आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है और इसकी गहराई जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मीटर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल इसका लेना है, इन दोनों का औसत है जो। ठीक है, तो इसका जब हम क्षेत्रफल लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो हमारा आयत है, ठीक है, या आप सही से इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा आयत है, ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगी इसकी, अगर हम बी मानेंगे तो बी, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी इसकी डी। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। फिर प्लस जो हमारी ये दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल इसमें हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो एक बटा दो एस डी इंटू डी। ठीक है, ये एस डी इंटू डी क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ढाल होता है, ठीक है, ढाल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यदि हमारा एस अनुपात एक का ढाल है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एच अनुपात वी, यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल अगर हम एक चल रहे हैं तो हॉरिजेंटल में भी हमें जो एस दूरी है वो चलनी होगी। ठीक है, यदि हम इसका मान, ये मान ना लेकर ये हम कह दें कि ये दो अनुपात एक है, ठीक है, तो इसका मतलब है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यानी कि हॉरिजेंटल जो है आपकी लाइन उसमें तो हम दो दूरी चल रहे हैं और वर्टिकल में हम कितना चल रहे हैं, एक। यानी कि अगर हम इसका एक चित्र बनाएं, ठीक है, तो चित्र वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी कि एक तो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा और ये दो हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों दूरियों से जो ये ढाल आ रहा है, ठीक है, ये जो ढाल आ रहा है, ये ढाल है आपका दो अनुपात एक का। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर हम इस एक की जगह डी रख दें यहाँ पर, ठीक है, इस एक की जगह डी रख दें यहाँ पर, और यहाँ भी हम डी की गुणा कर दें, यानी कि इसकी ऊंचाई में भी हम डी से गुणा कर दें और इसकी चौड़ाई यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसमें भी हम डी से गुणा कर दें, ठीक है, तो फिर भी ढाल इसका यही रहेगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अगर एच अनुपात एक, सॉरी एच अनुपात बी से हम इसे रखेंगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में अनुपात कितना है, दो डी, और वर्टिकल में अनुपात कितना है, डी। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर भी दो अनुपात एक ही आएगा। ठीक है ना, तो इनका ढाल वही रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा ये ढालू सतह है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर दो न होकर ये यहाँ पर एस है, ठीक है, दो न होकर यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर भी एस होगा। ठीक है, तो ये यहीं से आया है, ठीक है, यानी कि ये जो अनुपात है आपका, ये एस अनुपात एक है, यानी कि तीन अनुपात एक, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अभी हम क्योंकि आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर तीन की जगह ऐसी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि अगर इसकी ये ऊंचाई डी वन है या फिर डी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस डी। ठीक है, तभी तो ये अनुपात हमारा आएगा एस अनुपात एक का। ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर प्लस इतना ही क्षेत्रफल हमारे इस त्रिभुज का भी है, ठीक है, इसमें भी ढाल इतना ही है, तो ये हो जाएगा एक बटा दो डी इंटू एस डी। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है हमारा डी डी प्लस आधा और आधा एक हो जाएगा, यानी कि एस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्षेत्रफल इसका। ठीक है, और चूंकि हम औसत क्षेत्रफल ले रहे हैं, मीन यानी कि मीन ऑफ एरिया, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल का औसत वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस डी की जो गहराई है, ठीक है, ये भी हमें औसत लेनी पड़ेगी, यानी कि ये टोटल क्षेत्रफल जो होगा इसका, ये टोटल हमें जो मेन एरिया का क्षेत्रफल है वो हमें रखना होगा। ठीक है, तो हम इस डी की जगह एम रख देंगे, डी एम। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा औसत एरिया। ठीक है, तो इस औसत एरिया में हमें जो भी मान दिए हुए हैं वो हम रख लेंगे। डी का मान हमें दिया हुआ है 12, ठीक है, डी एम का मान हमने निकाल लिया है 2.5, ठीक है, और एस का मान हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ये मान इसमें हम रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है,
तो बी का मान कितना है हमारा 12 गुणा डीएम का मान है हमारा 2.5 और प्लस एस का मान है हमारा 3 और डीएम का मान है हमारा 2.5 का वर्ग। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा 48.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा औसत क्षेत्रफल 48.75 मीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब जो हमारा ये क्षेत्रफल आया है, ठीक है, ये है हमारा इतना क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल आया है हमारा 48.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल में जितनी लंबाई में मिट्टी पड़ी हुई है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस लंबाई से इसमें गुणा करनी होगी। ठीक है, तो जब हम इसमें उस लंबाई से गुणा कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 400 मीटर तक का जितनी भी उसकी लंबाई है। ठीक है, तो चलिए चलिए वो कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ रख देंगे मास। ठीक है, तो मिट्टी का कार्य हमें पता चल जाएगा, मिट्टी का कार्य। ठीक है, 48.75 गुणा लंबाई कितनी है 400। ठीक है, जब हम इसकी 400 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 19,500 घन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट थी वो थी मीटर स्क्वायर में और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर गुणा मीटर तो ये घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा इस क्षेत्रफल का। ठीक है, तो मिट्टी का कार्य हमें करना पड़ेगा 19,500 घन मीटर। ठीक है, तो अब हमने जो मिट्टी का कार्य है वो तो हमने ज्ञात कर दिया है, लेकिन हमारा दूसरा पॉइंट जो है घास लगाने के लिए साइडों के ढालू क्षेत्रफल वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस क्षेत्रफल की हम गणना करेंगे। चलिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये एक चित्र है, ठीक है, ये है हमारा एक, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जिससे आप सही से समझ सकें, ये है हमारा एक चित्र। ठीक है, इसे हम मान रहे हैं डी, इसे मान रहे हैं एच डी। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा एस अनुपात एक। ठीक है, तो इस पे अगर हम डिस्कस करें थोड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हमें डीएम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एस डी एम। ठीक है, तो इसकी बात हम करें तो जब हमारे पास हमें ये दो दूरियाँ दी हुई होगी तो हमें इसका मान किस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो ये हमने निर्माण तल बनाया है, ठीक है, जो ये हमने बनाया है भराव करके, मिट्टी का भराव करके, तो इसमें ये जो मिट्टी है ये ढालू रूप में यहाँ पर डली हुई है। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो हम जो इस पर घास लगाएंगे, हम यहाँ तो घास नहीं लगाएंगे, यहाँ तो हमारी सड़क बननी है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो जो ये बराबर का हिस्सा है, ठीक है, जो ये ढालूदार हिस्सा जो होता है उस पर हमें घास लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उस पर घास लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो घास लगाने का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, घास लगाने का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पर ये घास लगेगा। ठीक है, फिर गुणा हम करेंगे ये जो हमारी ये वाली लंबाई है, ठीक है, इसे हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये मैं इतना हिस्सा ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये डीएम दिया हुआ है, ये एस डी एम है। ठीक है, ये डीएम है यहाँ पर लंबाई और ये एस डी एम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ढाल है वो हमारा आना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो इनमें हम पॉइंट्स ले लेंगे, ये ए ले लेंगे, ये बी और ये सी। ठीक है, तो हमारा जो ए बी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ए सी का मान हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा डी एल, ठीक है, और इसका स्क्वायर हमें करना है, हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर प्लस बी सी हमारा कितना है, एस डी एम, ठीक है, तो एस डी एम का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। और आप इधर देखोगे कि यहाँ ए बी स्क्वायर चला हुआ है, जब हम स्क्वायर को इधर से इधर लेकर जाएंगे तो बाकी का इधर का कॉन्टेंट जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में। तो ए बी की जो लंबाई है हमारी वो इतनी होगी, ठीक है। तो इस लंबाई में हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई में इस ढाल की लंबाई हमें जोड़नी होगी, ठीक है, क्योंकि आप जोड़नी होगी नहीं, गुणा करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिंपल सी बात है उसमें लंबाई और चौड़ाई तो हमें चाहिए ही होगी, ठीक है, तभी तो हम कहेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें चौड़ाई यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है, तो इसका मान आएगा हमारा अंडर रूट डी एम का स्क्वायर प्लस एस डी एम का स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है, ये हमारा केवल इस एक तरफ का नहीं, दूसरी तरफ का भी है, ठीक है, हमारा केवल इस तरफ का ही क्षेत्रफल नहीं है, ये त्रिभुज हमारा एक ही तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ भी है, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि आप जो मिट्टी अगर ऊपर से डालोगे तो उसका जो ढाल होता है, ठीक है, नेचुरल ढाल जो होता है वो दोनों साइड से वो इतना ही ढाल होता है, ठीक है, तो इस साइड भी हमारा इतना ही ढाल होगा, इस साइड भी, तो इसलिए इसमें हम दो से और गुणा कर देंगे, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप देख रहे हैं कि डी एम का स्क्वायर यहाँ पर भी है और डी एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो डी एम स्क्वायर हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टू एल डी एम, बाहर आकर इसकी घात कम हो जाएगी क्योंकि अंडर रूट से ये बाहर आ रहा है, ठीक है, तो अंदर जो हमारा बच जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं केवल एस का स्क्वायर बच जाएगा और प्लस यहाँ से डी एम स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला गया है, तो इसलिए यहाँ पर एक बच जाएगा, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा घास लगाने के लिए जो क्षेत्रफल है वो, ठीक है। तो इसमें जो भी हमें मान ज्ञात है वो हम इसमें रख देंगे, ठीक है, तो दो गुना लंबाई हमारी कितनी है 400, डी एम का मान हमने निकाला था 2.5, ठीक है, अंडर रूट एस का मान हमारा कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है, तो 3 किया 9 और 1 कितना हो गया ये 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्षेत्रफल पर हमें घास लगाना है, ठीक है। छः हजार 324.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 6324.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमें घास लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में उस क्वेश्चन को करवा चुके हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो कमेंट में हम आप लोगों को उसका हल जरूर बताएंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 मीटर गुणा 2 मीटर माप एवं 2 मीटर गहराई का सेप्टिक टैंक चित्र में दिया गया है, ठीक है, निम्न मदों की गणना कीजिए। ये हमें चित्र में सेप्टिक टैंक दिया गया है, ठीक है, इसका हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है कि इसे बनाने में हमारी कितनी क्वांटिटी अलग अलग मदों के अलग अलग जो आइटम्स हैं उनकी हमें कितनी कितनी क्वांटिटी लग जाएगी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो आइटम्स दिए हुए हैं उनमें सबसे पहला है मिट्टी की खुदाई, यानी कि इसे बनाने में मिट्टी की खुदाई हमें कितनी करनी होगी, न्यू में सीमेंट कंक्रीट 1:3:6, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का ये हमें ज्ञात करना है, जो कि ये न्यू है हमारी, इसमें सीमेंट कंक्रीट ही हमने कितनी डाली है इस पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, उसकी क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है। फिर तीसरा है हमारा प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई 1:4 सीमेंट मसाले में, यानी कि ये जो हमें हमने दीवारें बनाई हुई है चारों ओर की दीवारें, ठीक है, इनमें कितना
ईंट चिनाई कार्य हुआ है, ठीक है, सीमेंट मसाले में 1:4 के, वो हमें उसकी क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर भीतर तथा फर्श में 20 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर में ज्ञात करना है, ठीक है। और छत एवं विभाजक दीवार में पूर्ण ढालेदार RCC हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप कोई सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो उसमें ये देख लीजिए आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मिट्टी खुदाई करवाओगे, ठीक है। मिट्टी खुदाई करने के बाद जितने भी गहरा आपको गड्ढा बनाना है सेप्टिक टैंक के लिए, ठीक है, उतनी गहरी खुदाई आपको करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको उसके बेड लेवल में एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सीमेंट कंक्रीट का ये क्षेत्रफल आपको डालना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सब गड्ढा खोदने के बाद सबसे नीचे के तल में एक प्लेटफॉर्म तैयार करोगे आप सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। तो जब ये सीमेंट कंक्रीट का जो आपका प्लेटफॉर्म है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरह से सूख जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको चिनाई शुरू करनी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, चिनाई शुरू करोगे, और जब इस चिनाई को शुरू कर दोगे, चिनाई ख़त्म होने के बाद आपको जो आपका सेप्टिक टैंक है, ठीक है, उसमें आपको एक ड्वार्फ वाल देनी होगी, ठीक है। ये आपके एक ड्वार्फ वाल है जिसे हम प्रीकास्ट कंक्रीट से बनाएंगे, ठीक है। ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिलती हुई आपको बनानी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कार्य करने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना होगा, आपको सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक बनाने होंगे, ठीक है। उन ब्लॉक को आपको जब वे अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, अच्छी तरह से यानी कि मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, फिर उन्हें उठाकर आप अपने सेप्टिक टैंक के ऊपर उन्हें रख दोगे, ठीक है। जब आप इस प्रकार से रख दोगे तो आपका सेप्टिक टैंक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसमें एक बात मैं और बता दूं कि 10 mm डाया का एक इनलेट दिया जाता है जिसमें से आपका जो भी सेप्टिक जो पदार्थ है वो यहाँ से इसमें अंदर प्रवेश करेगा, और जहाँ ये आउटलेट है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी आपको अपने सेप्टिक टैंक में करनी होती है। तो जो भी कार्य हमें अपने सेप्टिक टैंक में करना होता है उसी कार्य की क्वांटिटी हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम ये सभी आइटम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। चलिए बच्चों ये है आपकी टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपको इस टेबल में आइटम नंबर लिखना है, फिर पार्टिकुलर्स के नाम लिखने हैं, जितने भी आपके पार्टिकुलर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मिट्टी खुदाई कार्य हो गया, सीमेंट कंक्रीट कार्य हो गया, ये सभी पार्टिकुलर्स जो भी हैं तो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी संख्या लिखी जाएगी, ठीक, और फिर उसकी लंबाई, फिर चौड़ाई, और फिर गहराई कह लो या फिर हाइट कह लो, ठीक है, ऊंचाई कह लो, और फिर उनकी जो क्वांटिटी होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और यदि हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन उसे करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी टेबल, ठीक है। अब जो ये चित्र बना हुआ है इसके बारे में आपको समझा दूँ थोड़ा, ठीक है। ये जो हमारा सेप्टिक टैंक है ये इसका प्लान है और ये इसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसकी, ठीक है, आगे जो फैली हुई चौड़ाई है वो 2 मीटर की है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो इसकी हमें क्वेश्चन में गहराई दी हुई है वो 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। ये जो गहराई है ये सेप्टिक टैंक की गहराई दी हुई है, और सेप्टिक टैंक की गहराई कहाँ तक मापी जाती है, ग्राउंड लेवल से जो नीचे कंक्रीट का प्लेटफॉर्म डला हुआ होता है वहाँ तक की जो गहराई, यानी कि जहाँ तक इसमें दीवारें होती है वहाँ तक जो गहराई होती है वो हमारे सेप्टिक टैंक की गहराई होती है, ठीक है। तो ये वही गहराई दी हुई है, बाकी जो 20 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट कंक्रीट का हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये गहराई इसमें नहीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम जितनी भी हमें मृदा खुदाई कार्य करना होगा उसकी मात्रा हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मिट्टी खुदाई कार्य की संख्या होगी 1, ठीक है, एक ही बार कर लेंगे हम सारी की सारी मिट्टी खुदाई कार्य, क्योंकि गड्ढा तो आप एक ही बार खोदोगे, ये थोड़ा ही कि चार इन लंबी दीवारों के लिए अलग से गड्ढा खोदोगे या छोटी दीवारों के लिए अलग से गड्ढा खोदोगे। आपको जो बीच में चाहिए है उसमें पानी डालना है आपको, या आपकी जो सेप्टिक कंडीशन में जो भी पदार्थ हैं वे आ रहे हैं
तो वे तो यहाँ पर बीच में ही इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा गड्ढा हमें यहाँ से खोदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे खोदने के लिए कितना मिट्टी कार्य हमें करना होगा, सबसे पहले इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो भी लंबाई होगी, ठीक है, वो हम लंबाई लिखेंगे। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी लंबाई होगी, आप यहाँ पर देखिए, जो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर की है। और ये जो हमारी दीवारें हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दीवार है, ये है 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, 40 सेंटीमीटर की यहाँ से इधर है, और 40 सेंटीमीटर ही यहाँ से इधर है, ठीक है। तो 40 40 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर हो गया है, आप इतनी बात का ध्यान रखिए। फिर यहाँ से 80 सेंटीमीटर आने के बाद आप ये देखिए, यहाँ से ये है 40 40 वाले, ठीक है, ये दो दीवारें हैं 40 40 सेंटीमीटर की, तो ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर ये 20 सेंटीमीटर चौड़ाई में एक ब्लॉक भी है हमारा नीचे का, ठीक है, जिसमें सीमेंट कंक्रीट डला हुआ है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ये इधर है और 20 ही सेंटीमीटर यहाँ से इधर है, ठीक है। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, ये 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.20, ठीक है, यानी कि ये 1.20 मीटर जो है, ठीक है, ये हमें इसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में जोड़ना होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में हमें ये 1.20 मीटर जोड़ना होगा। तो 3 में जब हम 1.20 मीटर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 1.20 = 4.20, ठीक है। और ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ का कार्य है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि 40 सेंटीमीटर हमने ये जोड़ा, यानी कि 0.4 और प्लस, फिर 40 सेंटीमीटर हमने ये जोड़ा, यानी कि 0.4, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने 20 सेंटीमीटर ये जोड़ा और फिर 20 सेंटीमीटर ये जोड़ा, ठीक है, यानी कि प्लस 0.20 और प्लस 0.20, ठीक है। तो ये कार्य हमने किया, और प्लस हमने जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी इसमें जोड़ दी, ठीक है। तो ये टोटल हो गई है 4.20, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी आ गई है, 4.20, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम चौड़ाई की बात करेंगे, ठीक है, चौड़ाई जब हम 2 मीटर इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारी दीवार जो है वो 40 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और इधर भी 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि ये जो हमारी दीवार है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक की जोड़ेंगे तो ये पूरी की पूरी लंबाई हमारी आ जाएगी, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 0.40 0.40 0.80 हो गया, यानी कि 0.80 मीटर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर। और इसमें भी ये जो कंक्रीट है ये इसी प्रकार से 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तक डली हुई है चौड़ाई में, ठीक है, ये तो लंबाई की है, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में भी ये ऐसे ही डली हुई है, ठीक है। तो यानी कि 1.20 मीटर हमें 2 मीटर में भी जोड़ना होगा, ठीक है, इधर की जो लंबाई हम ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इतना है, इतना बड़ा हमें गड्ढा करना पड़ रहा है पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इतना बड़ा गड्ढा करेंगे, फिर उसमें ये कंक्रीट ब्लॉक हम डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये पूरा का पूरा ये नीचे का एक कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, तो ये हम डालेंगे इसमें, तब जा कर के हमारा पूरा का पूरा गड्ढा तैयार होगा। और इसी पूरे कंक्रीट ब्लॉक का हमें क्षेत्रफल लेना होगा, ठीक है, ये चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ तक कि हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे इसमें चौड़ाई की तरफ, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 + 1.2, यानी कि 3.2, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 3.2 मीटर, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी होगी, हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ग्राउंड लेवल से जहाँ ये हमारी हमारा कंक्रीट ब्लॉक है इससे नीचे तक की हाइट, क्योंकि यहाँ तक ही तो हमें खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक हमें खुदाई करनी पड़ेगी ना, तो जहाँ तक हमें खुदाई करनी पड़ेगी वहाँ तक की हमें लंबाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, और प्लस इसकी मोटाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 2.20, ठीक है, यानी कि 2.2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब इन सब के हम गुणा कर लेंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी कि कितना घन मीटर मृदा कार्य हमने किया है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये आ गया है हमारा 29.568 घन मीटर। ठीक है, तो इतना मृदा कार्य हमने मिट्टी खुदाई के लिए किया। ठीक है, अब जो हमारा मिट्टी कार्य है वो तो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी कि मृदा की खुदाई हमने कर दी है अपने सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कंक्रीट ब्लॉक डला हुआ है, ठीक है, इसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे न्यू में सीमेंट कंक्रीट, कितना रेशो दिया हुआ है इसका, 1:3:6 का। ठीक है, तो ये रेशो हमें दिया गया है, न्यू में सीमेंट कंक्रीट ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारा हमारी न्यू में सीमेंट कंक्रीट डला हुआ है, ये इतने ही क्षेत्रफल में डला हुआ है ना, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये इतना क्षेत्रफल हमारा कितना है, यानी कि इसका कार्य हमारा एक ही है, 4.2 मीटर की ही इसकी लंबाई है और 3.2 मीटर की ही इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई में अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब हमारे हम मर्दा कार्य नहीं कर रहे हैं, जो हम 2.2 मीटर की इसकी ऊंचाई लेंगे या फिर गहराई लेंगे, हम इस ब्लॉक को डाल रहे हैं, कंक्रीट ब्लॉक को, और इस कंक्रीट ब्लॉक की ऊंचाई हमारी कितनी है, केवल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो केवल 0.2 लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी क्वांटिटी कर लेंगे, तो जितना हमारा सीमेंट कंक्रीट है 1:3:6 का न्यू में, वो हमारी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आई है हमारी क्वांटिटी 2.688 घन मीटर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, जो हमारी ये दीवार है। ठीक है, अब दीवार हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, दीवार। ठीक है, तो दीवार में हम लिखेंगे तीसरा मध यहां पर, प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई, एक अनुपात चार सीमेंट मसाले में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें दीवार बनानी पड़ेगी, ये 40 सेंटीमीटर मोटाई की। ठीक है, सबसे पहले हमें 40 सेंटीमीटर मोटाई की ये दीवार बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर रद्दे के लिए, 40 सेंटीमीटर का रद्दा। ठीक है, सबसे पहले जो ये 40 सेंटीमीटर का रद्दा है, ठीक है, इसे हम देखेंगे कि लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल जो है हमारी लंबी वॉल, ठीक है, लॉन्ग वॉल में देखेंगे इसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा प्लान है, इसमें लॉन्ग वॉल जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो हम इनकी संख्या लिखेंगे 2 यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, लॉन्ग वॉल की संख्या आपको किस प्रकार से रखनी है, जितनी आपकी संख्या है उतनी आप रखोगे, कभी आप एक एक ही लिखते चले जाएं, जैसे कि सेंटर लाइन मेथड में होता है, ये सेंटर लाइन मेथड नहीं है, ये है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो हमें इसे इसी रूल से करना होगा। ठीक है, हम इसे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग वॉल की हमारी संख्या कितनी हो गई, 2, एक ये हो गई हमारी लॉन्ग वॉल और एक ये हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारी लॉन्ग वॉल है इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, लंबाई हम लिखेंगे इसकी, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि आप इससे इस 40 सेंटीमीटर की जो ये दीवार है यहाँ तक,
इससे ऊपर का सब भूल जाइए। आप ध्यान रखिए कि हम अभी नीचे से चिनाई कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर की दीवार में, ऊपर का कोई भी स्ट्रक्चर हमने अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है हमारी, 3 मीटर, और ये 40 सेंटीमीटर और ये वाला 40 सेंटीमीटर जब हम इस 3 मीटर में जोड़ देंगे तो हमारी कुल लंबाई आ जाएगी लंबी लाइन की, ठीक है, लंबी दीवार की। तो ये हो जाएगी 40 और 40 80, यानी कि 3.80, यानी कि 3.8 मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, दो दीवारें हैं हमारी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर संख्या दो लिख ली है। 3.8 मीटर की एक दीवार की लंबाई है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है हमारी 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4, ठीक है। 40 सेंटीमीटर को हमने मीटर बना लिया है तो 0.4 हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी हाइट या फिर गहराई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी इसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये है हमारी 80 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर लंबी दीवारों की क्वांटिटी हमारी पूरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे अब, यह आ गई है 2.432 घन मीटर, ठीक है। तो लंबी दीवारों में हमने कार्य 2.432 घन मीटर दिया। अब हमारी शॉर्ट वॉल की बात आती है, शॉर्ट वॉल, ठीक है। शॉर्ट वॉल में थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हमने ये दो लंबी दीवार बनाई, ये जो हमने लंबी दीवार बनाई तो हमने यहाँ से यहाँ तक की ये दीवार बनाई, ठीक है, यानी कि इसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ तक हमने बना दी है, ठीक है, यहाँ तक हम इसे बना चुके हैं, ठीक है। और ये जो हमारी लंबी दीवार है इसे भी हम यहाँ तक बना चुके हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम इसे बना चुके हैं। तो जो हमारी शॉर्ट वॉल है वो यहाँ से और यहाँ तक रह गई है, यानी कि केवल 2 मीटर लंबाई की, ठीक है, केवल 2 मीटर लंबाई की रह गई है। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, शॉर्ट वॉल की संख्या है हमारी 1 और 1 2, ठीक है, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 0.4, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी 40 सेंटीमीटर की दीवार की इतनी रहेगी, 0.80 ही, ठीक है, ये हो गया 0.8। तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी शॉर्ट वॉल की, घन मीटर, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमने 40 सेंटीमीटर की ये दीवार यहाँ तक बना दी है, ठीक है, यहाँ तक का पूरा कार्य हमने कर दिया है, 40 सेंटीमीटर की दीवार भी हमने बना दिया है। अब उसके ऊपर हमें दीवार दिखाई दे रही है 30 सेंटीमीटर की, तो अब हम 30 सेंटीमीटर की दीवार खड़ी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, चलिए करते हैं। 30 सेंटीमीटर का रद्दा, ठीक है, लॉन्ग वॉल, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है, 3 मीटर, और इसमें 0.30 हम इधर जोड़ देंगे और 0.30 हम इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.6, ठीक है, यानी कि 0.3 प्लस 0.3 और प्लस 3, तो कितना हो गया, 3.6, ठीक है, मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, लॉन्ग वॉल है हमारी 2, संख्या हमारी 2 ही रहेगी, लंबाई हो गई हमारी 3.6, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 0.3, और इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, इस 30 सेंटीमीटर की दीवार की ऊंचाई कितनी है, 0.6, यानी कि ये है हमारी 0.6, ठीक है। तो क्वांटिटी इसकी कर लेंगे अब हम, घन मीटर, ठीक है। अब हम शॉर्ट वॉल की बात करेंगे, शॉर्ट वॉल में आप देखिए, इसमें भी हम यहाँ तक की जो लंबाई है वो हम बना चुके हैं, ठीक है, और यहाँ तक की जो लंबाई है वो हम बना चुके हैं,
बाकी जो हमारी लंबाई रह रही है वो कितनी रह रही है, तो इनकी संख्या कितनी है, दो, और इनकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, दो, ठीक है। इसकी शॉर्ट वाल की जो चौड़ाई है वो है 0.3 और इसकी जो हाइट है वो है 0.6, ठीक है। इसकी हम क्वांटिटी कर लेंगे, यह आ गया हमारा 0.72 घन मीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग और एंड शॉर्ट वाल का कार्य हमारा खत्म हो गया है। अब हमारी जो 20 सेंटीमीटर की वाल है उसका कार्य हम करेंगे, 20 सेंटीमीटर का रद्दा, ठीक है, लॉन्ग वाल, ठीक है। लॉन्ग वाल की लंबाई कितनी हो जाएगी, लॉन्ग वाल की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर हमारी यहाँ पर है, और 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हम जोड़ लेंगे तो 3.40 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है। तो यानी कि 3.4 हो जाएगा यहाँ पर, और यानी कि इस लॉन्ग वाल की संख्या 2 है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है लॉन्ग वाल की 0.20, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी हमारी आ जाएगी, घन मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम शॉर्ट वाल की बात करेंगे, ठीक है, शॉर्ट वाल की संख्या 2 है और इसकी लंबाई 2 मीटर ही रहेगी, ठीक है, 0.2 इसकी चौड़ाई और 0.6 इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, घन मीटर, ठीक है। तो इतना कार्य आ गया है हमारा, प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई 1:4 सीमेंट मसाले में, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के रद्दों में, ठीक है, इतना कार्य हमारा आ गया है, ठीक है। तो अब हम ये जो हमारा ईंट चिनाई का कार्य है, इस पूरे ईंट चिनाई के कार्य का टोटल हम कर लेंगे और वो टोटल हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ईंट चिनाई में जितना भी हमने कार्य किया तीनों दीवारों में, ठीक है, यानी कि 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की जो दीवारें हैं उनमें 7.024 घन मीटर का ईंट चिनाई कार्य हमें करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी जो स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम है, भीतर तथा फर्श में 20 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर 1:2 के रेशियो में, ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्ग वाल की बात करेंगे, जो आपकी लॉन्ग वाल है, ठीक है, तो उसमें इनकी संख्या हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों लॉन्ग वाल है इनकी पूरी की संख्या हम 1 ही मान लेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से हम गणना कर लेंगे यहाँ पर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 लंबाई हो जाएगी, ठीक है, चौड़ाई हो जाएगी 3, ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 2, तो 2 × 6 × 12, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका हमें प्लास्टर करना पड़ेगा, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर में हमें प्लास्टर करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप अलग अलग लंबाई की हम बात करेंगे, ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं इसे। जैसे कि आपको पता है यहाँ से जो यहाँ तक की सतह है ये लंबी दीवार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, हमारे यहाँ पर 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इस लंबी दीवार का प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लंबी दीवार की पूरी लंबाई में हमें प्लास्टर करना होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमें कितनी हो जाएगी, 3, और गुणा इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में हम इस प्लास्टर करेंगे, ठीक है, ऊंचाई में ही तो हम प्लास्टर करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ हम प्लास्टर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा हो जाएगी 2 से, तो 2 × 6 मीटर स्क्वायर इस दीवार का क्षेत्रफल लंबी, ठीक है, और 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हमें इस दीवार पर प्लास्टर करना पड़ेगा। तो 6 × 6 कितना हो गया, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, 12 मीटर स्क्वायर का हमारा लॉन्ग वाल का प्लास्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम शॉर्ट वाल के बारे में बात करते हैं, तो शॉर्ट वाल में इनकी संख्या कितनी मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे, ठीक है,
इन दोनों दीवारों की संख्या हम एक ही मान लेंगे, ठीक है, तो एक ही के अनुसार हम इसे हल कर लेंगे। तो इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, इसकी चौड़ाई जो है वो भी 2 ही हो जाएगी, और इसकी जो गहराई है वो भी 2 ही हो जाएगी, ठीक है। तो 2 × 4 × 8 या 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमने फर्श में 20 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर डाला है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फर्श है इसमें जो डाला है हमने, ठीक है, प्लास्टर किया है वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फर्श में ठीक है, इसकी संख्या 1, इसकी लंबाई 2 हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 3, और इसकी मोटाई हमें कुछ भी नहीं रखनी है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 6 मीटर स्क्वायर। तो 6 × 12 = 26 मीटर स्क्वायर हमें कुल प्लास्टर इसमें करना होगा, ठीक है। तो प्लास्टर वर्क हमने ज्ञात कर लिया है। 5वां नंबर है हमारा कि जो हमारा प्रीकास्ट कंक्रीट है उसकी मात्रा हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। ये जो हमारा प्रीकास्ट कंक्रीट है इसकी मात्रा अब हमें ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए 5वीं स्टेप हो जाएगी हमारी। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारा आइटम नंबर 5, छत एवं विभाजक दीवार में पूर्व ढालित सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 के रेशो में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे विभाजक दीवार की। ये जो हमारी विभाजक दीवार है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें जो हमारी प्रीकास्ट डली हुई है उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसकी संख्या हो जाएगी 1, ठीक है। इस पूरे के पूरे सेप्टिक टैंक में ये एक विभाजक दीवार डाली जाती है, ठीक है। तो इस विभाजक दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 मीटर, ठीक है, ये हो गई आपकी 2 मीटर, ठीक है। तो लंबाई तो हो जाएगी इसकी 2 मीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई इसकी हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई हम लेंगे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, जो आपकी ये प्रीकास्ट होती है यहाँ पर जो आपकी दीवार वाल दी होती है विभाजक दीवार, ठीक है, ज़्यादातर इसकी जो हाइट है वो नहीं दी हुई होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस हाइट को आपका आपको पता होना चाहिए कि ये हाइट होती कितनी है, ठीक है। इसे हम 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रखते हैं, ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर तक इसे हम रख लेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब हम इसकी क्वांटिटी कर लेंगे तो क्वांटिटी हो जाएगी इसकी 0.06 घन मीटर, ठीक है। तो विभाजक दीवार की जो क्वांटिटी हमारी आ गई है 0.06 घन मीटर। अब हम जो छत है हमारी, ये वाली जो छत है इसकी क्वांटिटी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो ये छत है, ठीक है, इसमें हम प्रीकास्ट कंक्रीट जो है ये हम कहाँ तक डालेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि जब आप अपनी आखिरी जो दीवार है 20-20 सेंटीमीटर की, इन्हें बनाकर तैयार कर दोगे, ठीक है, तो फिर आपका कार्य रह जाएगा कि जो आपका ये सेप्टिक टैंक बन गया है इसे ऊपर से ढक दें, ठीक है। तो ढकने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंक्रीट के ब्लॉक बनाने होंगे, सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के, ठीक है, उन ब्लॉक्स को आपको इसके ऊपर रखना होगा, ठीक है। यदि आपका सेप्टिक टैंक ज़्यादा लंबाई का है, ठीक है, तो आप 3 या 4 ब्लॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप 2 ब्लॉक्स में भी, यदि आपका छोटा वो सेप्टिक टैंक है, ठीक है, तो आप 2 ब्लॉक्स भी आप इसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनकी हम लंबाई कितनी रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। हमें केवल जो ये दीवार है 20 सेंटीमीटर की, इसे हमें पूरी तरह से ढकना है, ठीक है, इसे हमें पूरी तरह से ढकना है जिससे कि अंदर की गैस बाहर ना जा सके, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो हमारी इस दीवार की जो चौड़ाई है वो है 20-20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये हो गए 40 सेंटीमीटर, और 3 मीटर ये यानी कि 3.4 मीटर इसकी हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। छत की लंबाई कितनी हो जाएगी 3.4 मीटर, संख्या इसकी कितनी है 1। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, तो चौड़ाई में भी जहाँ ये 20 सेंटीमीटर वाली दीवार है, ये वाली दीवार, ठीक है, इसे हमें ढकना होगा, और इधर से भी इसे हमें ढकना होगा, ठीक है, इस दीवार को हमें ढकना होगा चौड़ाई में भी। तो 2 मीटर ये हो गया, और 0.20 मीटर ये हो गया, तो ये हो गया 2.40 मीटर यानी कि 2.4 मीटर, ठीक है।
अब बात आती है इसकी हाइट की, ठीक है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी लेंगे। जो हमारा ये कंक्रीट ब्लॉक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो स्लैब होती है उनकी मोटाई बहुत ही कम रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्लैब का ही कार्य करेगा। ये जो हमारा नीचे का जो स्ट्रक्चर है इस पर स्लैब का ही कार्य करेगा, ठीक है। इसमें रेनफोर्स भी डला हुआ है, रेनफोर्समेंट भी किया हुआ है, इसलिए इसकी मोटाई हम कम रख सकते हैं, ठीक है। 80 मिलीमीटर की मोटाई हम रख सकते हैं, यानी कि 7 से 8 सेंटीमीटर केवल, ठीक है। तो इसकी हम 75 मिलीमीटर की मोटाई रख लेंगे तो ये हो जाएगा 0.075। तो क्वांटिटी ऑफ आ जाएगी इसकी, घन मीटर, ठीक है। टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल हम कर लेंगे, ठीक है, 0.672 घन मीटर, ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जितना भी बेहतर तरीके से हो सके ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। 2013 के क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इसलिए मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के मूल्य सहित एक आवासीय संपत्ति का मूल्य 30 लाख रुपए है, वार्षिक होने वाले खर्चे 60,000 रुपए है, संपत्ति का शुद्ध किराया व कुल किराया प्रति माह ज्ञात कीजिए। मान ले कि संपत्ति की लागत पर 6% वार्षिक ब्याज है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, संपत्ति का मूल्य हमें दिया हुआ है, तीस लाख रुपए, ठीक है, और वार्षिक होने वाले खर्चे 60,000 रुपये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि मान ले कि संपत्ति की लागत पर 6% वार्षिक ब्याज है, ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से खर्चा ही होगा, वार्षिक खर्चा, ठीक है। तो संपत्ति की लागत पर हम 6% वार्षिक खर्चा निकालेंगे, ठीक है, संपत्ति पर वार्षिक खर्चा। संपत्ति हमारी कितनी है 30 लाख की, और 6% वार्षिक हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए, ठीक है। तो 1,80,000 रुपए वार्षिक खर्चा है हमारा संपत्ति की लागत पर, ठीक है। तो अब हम लिखें शुद्ध वार्षिक किराया, हमारा निकल कर आएगा कुल वार्षिक किराया, कुल वार्षिक किराया माइनस वार्षिक व्यय, ठीक है, यानी कि जो हमारा कुल वार्षिक किराया आ रहा है, अगर इसमें से हम वार्षिक व्यय घटा दे तो हमारा शुद्ध वार्षिक किराया आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1,80,000 में से हम घटा देंगे 60,000 रुपये, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये जो है हमारे शुद्ध वार्षिक किराया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा जो शुद्ध वार्षिक किराया है हमें एक साल में
जो वार्षिक किराया देना होता है वो 1,20,000 रुपये है, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये को हम वार्षिक में बनाएंगे कि हमें प्रति माह कितने रुपए उसमें देने होंगे, ठीक है। तो प्रति माह हमें कितने रुपए देने होंगे, प्रति माह की जो हमारी किस्त होगी वो होगी जब हम इसे 12 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो संपत्ति का कुल प्रति माह किराया, ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 12, ठीक, यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो इतना किराया हमें देना पड़ेगा अपने एक महीने के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका BTUP में जो 2010 में क्वेश्चन पेपर किया गया था आपका, ठीक है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपकी दी हुई है, ठीक है, वो सभी हमने हल करा दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।